हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फैंटेसी हेल्प के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो में समय दे दिया अपना, तो इस वीडियो के माध्यम से आपकी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि आप लोगों को जो कीमती समय है 4 मिनट का, उसी में मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा कि ड्रीम इलेवन के जो हिडन ट्रिक्स है, भाई आप लोग गलतियां क्या करते हो, क्योंकि गलतियों से ही आप लोग ड्रीम इलेवन में रैंक उन पर नहीं आ पाते। स्टार्टिंग में तो रैंक बहुत अच्छी रहती है, 200-150 लगता है कि आज जीत जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे मैच खत्म होता है रैंकिंग 2 लाख 3 लाख के पार पहुंच जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग वही गलतियां बार बार दोहराते हो। तो भाई जिस बंदे ने वीडियो को लास्ट एंड तक देख लिया, ड्रीम इलेवन भाई आपकी लाइफ बदल के रख जाएगी, समझ लीजिए। क्योंकि ड्रीम इलेवन से 1 रैंक आने पर कितना कुछ मिलता है मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आप लोग ऑलरेडी बुद्धिमान हो, समझदार हो। तो वीडियो को लास्ट एंड तक देख लो, क्योंकि जानकारी जो देने वाला हूँ बहुत ही सीक्रेट, यूट्यूबर जल्दी इस बात को बताते नहीं है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ड्रीम इलेवन की विनिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। रैंक वन पर आने के लिए दोस्तों 3 चीजें मैटर करती हैं। पहला हमारा खुद प्लेयर, दूसरा हमारा जो हम कप्तानों को कप्तान चुनते हैं, और तीसरा हमारी एनालिसिस। एनालिसिस में वेन्यू, पिच, प्लेयर, स्टैट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब प्लेयर कितना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, हम सब जानते हैं 2 टीमों के बीच मैच होता है, 11 प्लेयर उस टीम के रहते हैं, 11 प्लेयर इस टीम के रहते हैं, और उन्हीं 11-11 में से सिर्फ हमको 11 प्लेयर चुनने हैं, यानी कि 22 प्लेयर में से अपने प्लेइंग 11 हमको सेलेक्ट करनी है। अब दूसरा बात रही कैप्टन वाइस कैप्टन की, उन्हीं 11 प्लेयर में से 2 हमको कैप्टन वाइस कैप्टन चुनने हैं। तो मतलब कितना सोचिए, कितना रिस्की काम है, कितना मतलब दोस्तों देखा जाए तो कितना इंटेलिजेंस वाला काम है कि हमको अच्छे प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, अच्छे फील्डर लेने हैं, अच्छे परफॉर्मर लेने हैं, हमको ये सब चीजें देख के ध्यान में रखनी है। तो आप इन बेसिक स्ट्रक्चर्स को, आप इन बेसिक सिनेरियोस को ध्यान में रखकर चलेंगे तो आप लोग भी ड्रीम इलेवन में विनिंग करेंगे। लेकिन इन सब चीजों को परखा कैसे जाए, कैसे इन सब चीजों को हम लोग अपने चीजों में इंप्लीमेंट करके विनिंग टीम बना सकते हैं और रैंक बना सकते हैं, इतनी धांसू स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप लोगों ने आज तक कभी इसकी स्ट्रेटजी सुनी नहीं होगी। हम लोग ड्रीम इलेवन में टीम बनाते वक्त क्या देखते हैं, प्लेयर के पॉइंट देखते हैं, जाहिर सी बात इस बात को आपको भी एक्सेप्ट करना है, बिल्कुल देखते हैं हम लोग, सिलेक्शन परसेंटेज देखते हैं, प्लेयर के पॉइंट देखते हैं, लेकिन आज तक इतना सब कुछ देखने के बाद हमको कुछ मिला है, कुछ नहीं मिला है, क्योंकि हम वही गलती बार बार दोहराते हैं, वही मिस्टेक बार बार करते हैं, और यही गलती हमको नहीं करनी, यही मिस्टेक हमको नहीं करनी होती है। क्योंकि ड्रीम इलेवन में रैंक वन लाने के लिए इन बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि रैंक वन के लिए हम क्या कर सकते हैं, किन स्ट्रेटजीज को ध्यान में रख सकते हैं और कैसे रैंक वन ला सकते हैं, इसके बारे में भी पूरी पूरी जानकारी हमको होनी चाहिए। तो प्लेयर के पॉइंट्स अगर आपको देखने हैं तो प्लेयर के पॉइंट्स कैसे देखा जाता है आज मैं आपको बताता हूं। ऐसे प्लेयर के पॉइंट्स हमको देखा जाता है कि ना प्लेयर के पॉइंट्स बहुत हाई हो ना बहुत लो, मीडियम रेंज में हो। अगर आपने उसको कैप्टन चुन लिया उस दिन ना उसको कोई नहीं लिया होगा, सब हाईएस्ट प्लेयर के पीछे पड़े रहते हैं और उसी दिन आपकी रैंक वन आ जाएगी। ड्रीम इलेवन में पॉपुलर प्लेयर कैप्टन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सब बनाते हैं, लेकिन ऐसे प्लेयर कैप्टन बनाना जिसके चलने के चांसेस ना के बराबर लेकिन वो चल जाए, फिर आपकी रैंक वन कन्फर्म है। और ऐसा तब होता है जब आपके पास प्लेयर की नॉलेज हो, और यही नॉलेज आपको ड्रीम इलेवन में रैंक वन पे ले आती है। इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, इसीलिए बार बार बोलता हूं कि ड्रीम इलेवन से विनिंग करनी है तो ऐसे करो यार, इन स्ट्रेटजीज के साथ करो, ऐसे करो, इस ट्रिक के साथ करो। लेकिन अगर आप लोग नहीं समझोगे तो फिर बार बार लॉस करोगे और फिर अपना ही पैसा आप लोग नुकसान में करवा दोगे। तो ड्रीम इलेवन का यही फंडा है, अगर आपको विनिंग करनी है तो स्ट्रेटजी समझ के चलनी पड़ेगी, और स्ट्रेटजी समझोगे तो फिर सीक्रेट तरीके से ही ड्रीम इलेवन में रैंक वन लाई जा सकती है। हमने भी दोस्तों कई बार प्रयास किया है, स्टार्टिंग में लॉस हुआ है, नहीं जीत पा रहे थे, लेकिन सीखे हैं ना, आखिर सीखे हैं, और सीखे हैं तो आज विनिंग हो रही है। अभी ना सीखे होते तो आज हम लोग भी नहीं कमा पाते पैसा। तो विनिंग स्ट्रेटजी मायने रखती है, विनिंग ट्रिक मायने रखती है, और जब इन सब चीजों से हम लोग दोस्तों विनिंग करते हैं, जब इन सब बेसिक सिनेरियोस के हम लोग रैंक वन पे लाते हैं, तो फिर यहाँ पे बेहतरीन तरीके से विनिंग होती है, यहाँ पे फिर बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट होता है, और उसी प्रॉफिट को आप लोग भी दोस्तों कर सकते हैं। तो ये है कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, और इन्हीं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताता हूँ रैंक वन कैसे। देखिए रैंक वन लाने के लिए कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि प्लेयर को अच्छे से एनालाइज करना, उनको ये देख लेना कि आज हम जिस प्लेयर को कैप्टन बना रहे हैं वो इस पिच पे परफॉर्म करने वाला है कि नहीं, परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं, उसके पास उतनी क्षमता है परफॉर्मेंस करने की, ये सब चीजें मैटर करती हैं। और जब ये सब चीजें मैटर करने लगती है ना तो बाबू अपने आप रैंक वन आती है, और यही स्ट्रेटजी है रैंक वन लाने की, यही ट्रिक है रैंक वन लाने की। समझो कैसे रैंक वन आती है, बेसिक स्ट्रक्चर सीखो, और तब आप लोग देखो ड्रीम इलेवन में कैसे विनिंग होती है। लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर से नहीं समझोगे, जानकारी नहीं लोगे,
तो भाई आप लोग चाह कर भी फिर विनिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि ड्रीम इलेवन का ही स्ट्रक्चर है, विनिंग करना है तो बेसिक से नीड्स ध्यान रख के चलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको जानकारी बताई आप लोग इसको समझेंगे, आपको चीजें अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। भाई बार बार बोलता हूँ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ो, जो इसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसके माध्यम से बेहतरीन तरीके से आप लोग यहाँ पे विनिंग कर सकते हो, अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से पैसा कमा सकते हो। क्योंकि ड्रीम इलेवन की ही एक स्ट्रेटजी होती है और इसी स्ट्रेटजी से ड्रीम इलेवन में रैंक वन आती है और इसी बेसिक सिनेरियो से आप लोग रैंक वन ला सकते हैं। चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।